नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार विशेष। और आज बात करेंगे उस शख्स की जिसने बिहार की राजनीति में हमेशा ही किंग मेकर की भूमिका निभाई है। आज उनके ही राइज एंड फॉल की बात करेंगे। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की राजनीति में अहम मुकाम बनाने वाले लालू यादव आज हाशिए पर है। इंदिरा गांधी का विरोध कर लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंचे, तो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। लालू यादव ने सियासी सूझबूझ से अपनी एक अलग छवि बनाई, लेकिन लालू यादव की छवि पर चारा घोटाले का ऐसा दाग लगा जिससे लालू यादव उभर नहीं पाए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार की सत्ता के शीर्ष से हाशिए पहुंचे एक ऐसे राजनेता की कहानी जो सियासत के हर दांव पेंच में माहिर रहा है, जिसने देसी अंदाज से जनता के नब्ज को दशकों तक थामे रखा। आईआईएम से लेकर हार्वर्ड तक जिसकी चर्चा रही, जिसके उदय से बिहार 15 सालों तक देश हाशिए पर रहा, जिसके अस्त से बिहार में नई सुबह की रोशनी फैली, जो बिहार ही नहीं देश के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार रहा है। कहानी लालू यादव के राइज एंड फॉल की। 10 मार्च 1990, यही वो तारीख है जिस दिन देश की राजनीति में लालू यादव का उदय हुआ। पहली बार राजभवन परिसर से बाहर बिहार के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच सजा। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के नीचे लालू प्रसाद यादव ने बिहार के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी शुरू हो गई। 10 मार्च 1990 को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर लालू यादव काबिज हो चुके थे। जनता दल में पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को हराकर लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। सरकार बनाने की बात हुई तो हुआ कि भाई लालू जी रहेंगे, लालू जी उनके रामसुंदर दास को ले। रामसुंदर दास बीपी सिंह के थे केंद्र में उस समय, संघर्ष चंद्रशेखर और बीपी सिंह दो के राजनीतिक लड़ाई थी। लालू जी के साथ थे, ये अलग थे। रामसुंदर दास जी बीपी सिंह के साथ थे और चंद्रशेखर ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था रघुनाथ झा जी को, रघुनाथ झा। और तीन दावेदार हुए मुख्यमंत्री के, लालू जी, वोटिंग हुआ, लालू जी वोट में जीत गए। तो उस समय जो लालू जी सबसे कम उम्र के थे। इसी के साथ लालू ने बिहार में कांग्रेस पार्टी के शासन का खात्मा कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। कई दिग्गज नेताओं को पछाड़ कर लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और शातिर सियासी दांवपेंच की कहानी है, और इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जन्म 11 जून 1948, जगह फुलवारिया गांव गोपालगंज। इस छोटे से गांव से निकलकर लालू यादव ने रायसीना तक का सफर तय किया। लालू के इस सफर का आगाज पटना यूनिवर्सिटी से हुई। यहीं से लालू यादव ने LLB की पढ़ाई की और यहीं से छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता। लालू यादव बतौर छात्र नेता सियासी सीढ़ी चढ़ने लगे थे। JP आंदोलन में एक नई पहचान बनाई। पैसे की किल्लत थी, लिहाजा लालू यादव ने पढ़ाई खत्म करने के साथ ही बिहार वेटरनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। इसी कॉलेज में लालू के बड़े भाई चपरासी हुआ करते थे। लालू यादव ने लंबा संघर्ष किया राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, और उसमें महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था वेटरनरी कॉलेज का, यही वो चपरासी क्वार्टर। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं चपरासी क्वार्टर की, इसमें लालू यादव के बड़े भाई काम करते थे और उन्हें ये क्वार्टर मिला था। और लालू यादव ने लंबा समय इसी चपरासी क्वार्टर में गुजारा था। यहाँ पे राबड़ी देवी भी रहती थी और लालू यादव के बच्चे भी यहाँ पे
पैदा हुए थे। तो जाहिर सी बात है लालू यादव के लिए ये वो घर है जो संघर्ष की कहानी कहता है। चपरासी क्वार्टर के इसी फ्लैट में रहकर लालू यादव ने काफ़ी संघर्ष किया और उसी का असर था कि धीरे धीरे लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर भी पहुँचे। और एक समय ऐसा आया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू यादव ने इस क्वार्टर को नहीं छोड़ा और काफ़ी लंबे समय तक इसी क्वार्टर में रहे। और हम आपको आज इस क्वार्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो लालू यादव के संघर्ष की कहानी कहती है। ठीक हमारे दाहिनी ओर आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जो करकट से छाया हुआ है। और जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो लालू यादव यहाँ पर रहकर अधिकारियों को निर्देश भी देते थे और यहाँ पर कई सरकारी कार्य भी करते थे। तो जाहिर तौर पर लालू यादव के लिए वेटनरी कॉलेज का चपरासी क्वार्टर उनके संघर्ष की कथा कहती है और लालू यादव ने कैसे अर्श से फर्श का सफर तय किया, बहुत कुछ तस्वीर वेटनरी कॉलेज का ये मकान बयां करता है। जेपी आंदोलन से मिली सियासी एंट्री। 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूंक दिया, छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा, नतीजा ये हुआ कि देश में आपातकाल लागू हो गया। लालू यादव इमरजेंसी के दौरान जेल गए और जब 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो लालू छपरा लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। 29 साल की उम्र में लालू यादव सबसे कम उम्र के सांसद बने। साल 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई, जिसके बाद लालू यादव ने जनता दल पार्टी ज्वाइन कर लिया। जनता दल से 1980 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 1980 और 1985 में बिहार विधानसभा पहुंचे। 1989 में दूसरी बार वे लोकसभा पहुंचे। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली। लालू यादव कैसे मुख्यमंत्री बने तो ये भी जान लीजिए। 1990 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता दल को 122 सीटें मिली। उस वक्त विधानसभा की कुल 324 सीटें थी। झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत थी। बीजेपी के 39 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी ने तब जनता दल को समर्थन दे दिया और लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। उनकी जो शैली थी, उनका जो हाव भाव विचार था, वह एक अलग था। आप देखिएगा कि वो क्राउड पुलर उनको कहते हैं, मैंने क्राउड को मैंने अपने ओर खींचते थे, आकर्षित करते थे। यह उनकी एक अलग शैली थी। वो बिहार में आप देखिएगा, खास करके अभी के दौर में या पहले, तो वो उस तरह की शैली आपको लोगों को हंसाना, कैसे कनेक्ट होगा, वो सारी बात उनको मालूम थी। तो वो लालू प्रसाद यादव की अपनी शैली थी। ये उनका उत्थान कहिए या राजनीतिक टैलेंट कहिए उनको, तो वो उस लिहाज से वो लालू प्रसाद यादव को लोग जानते थे। बीजेपी के समर्थन से लालू यादव की सरकार चल पड़ी। अभी कुछ महीने ही बीते थे कि लालू यादव ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने लालू यादव के इस एक्शन पर करारा रिएक्शन दिया, केंद्र और राज्य से समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में तो सरकार गिर गई लेकिन लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल कर अपनी ताकत दिखा दी। इसके बाद लालू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1995 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने लेकिन 1996 में लालू को चारा घोटाले के मामलों का सामना करना पड़ा। 1997 में जब सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर आई तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू यादव ने अपनी कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में लालू यादव का उदय कांग्रेस के अस्त के साथ हुआ। जनता दल से पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो 1957 में अपनी पार्टी खड़ा कर ली।
चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आई तो पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी सौंप दी। जेपी आंदोलन के साथ रहे नीतीश कुमार ने जब साल 2000 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अधिकार जमा लिया तो लालू यादव ने जबरदस्त लॉबी कर नीतीश को बहुमत से दूर रखा और पत्नी राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया। सत्ता में 15 साल तक लालू की तूती बोलती रही, लेकिन जब लालू यादव के सियासी सफर का अस्त शुरू हुआ तो लालू यादव अपनी बदौलत उपचुनाव तक नहीं जितवा सके। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लालू यादव 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल से राजनीति शुरू हुई। 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1997 में अपने दम पर आरजेडी पार्टी को खड़ा किया। लालू यादव के साथ सियासत करने वाले नेता उनके काम के मुरीद रहे हैं। लालू प्रसाद जी किंग मेकर नहीं थे, न कभी किंग थे। इस राष्ट्र की ये मानव संसाधन और इंसानी जो इच्छा है और सामाजिक न्याय के लिए जो कुछ करना पड़ता है, दंगाइयों और उन्मादियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, गांधी के रास्ते पे ये देश चले और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर समाजवाद चले। लालू जी का जो राजनीतिक जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ है। जब लालू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 90 में, तो उनके पहले कैबिनेट में हम लोग उनके सहयोगी थे। जो 7-8 मंत्री हम लोग थे वो उनके साथ हम लोग वोट लिया था। और जो गरीबों के बीच में जो लालू जी का जलवा था, आप यूँ कह सकते हैं कि इस बिहार की धरती पर जो ताकत लालू यादव को मिली वो ताकत न आज तक किसी को मिली है न मिलेगी। चारा घोटाला केस के बाद लालू यादव की सियासत थोड़ी सी डगमगाई। साल 2000 में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। 7 दिन में सरकार गिर गई। लालू यादव ने जबरदस्त मैनेजमेंट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और 2005 तक 5 साल फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। बिहार में 2005 तक लालू यादव का जलवा बरकरार था। 2004 में आरजेडी ने लोकसभा के लिए बिहार की 40 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुई। लालू सरकार में रेल मंत्री बने। इसके बाद लालू यादव के सियासी सफर का पतन शुरू हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी महज 4 सीट पर ही सिमट गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन और भी गिरा और महज 22 सीटें मिली। लालू यादव की सियासी छवि पर चारा घोटाले का छाप पड़ गया था। एक के बाद एक केस में लालू यादव दोषी करार दिए गए। 30 जुलाई 1997 पहली बार जेल गए, 135 दिन जेल में रहे। 28 अक्टूबर 1998 दूसरी बार जेल गए, 73 दिन बाद बाहर निकले। 5 अप्रैल 2000 तीसरी बार जेल गए, 11 दिन बाद जमानत मिली। 28 नवंबर 2000 आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल गए। 3 अक्टूबर 2013 चारा घोटाले में सजा होने पर जेल गए, 70 दिन बाद बाहर निकले। 23 दिसंबर 2017 चारा घोटाले में सजा होने पर जेल गए, 17 अप्रैल 2021 को जमानत मिली। यहाँ से पतन शुरू है सर। उसके बाद फिर आप देखें कि विधानसभा में धीरे धीरे पतन तो हुआ कि विधानसभा में विपक्ष के नेता लायक भी सीट नहीं मिली, मगर कानून है कि जो भी जितनी संख्या में हो विपक्ष का नेता तो बनेगा ही। वहीं से पतन धीरे धीरे, चारा घोटाला के बाद लालू जी के जेल जाने के बाद राजद का पतन हुआ। लालू यादव की छवि पर चारा घोटाला हमेशा हावी रहा। चारा घोटाले में 5 केस दर्ज किए गए और लालू यादव सभी 5 केसों में दोषी करार दिए गए। लालू प्रसाद यादव के पतन की कहानी तो यह चारा घोटाला
जब से उजागर हुआ उसके बाद से उनका जो आना जाना लगा रहा, तो यह एक गलत संदेश मैसेज में गया। अब वो क्या है मामला, तो कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन वह एक मैसेज जो तमाम लोगों में, बिहार के लोगों में, देश के लोगों में गया कि देखिए ऐसा ऐसा लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इस तरह से हुआ। अब इसमें कई लोग गए भी जेल, आए भी, स्वयं लालू प्रसाद यादव भी गए। अब तो यह एक गलत मैसेज तो गया, तो वह उनका एक पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। लालू यादव को जब पहली बार जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। बीजेपी ने फिर कभी लालू यादव से हाथ नहीं मिलाया। लालू की सियासत का सूर्य अस्त हो रहा था और कांग्रेस डूबते नाव की सवारी करने को बेकरार थी। बीजेपी का साथ छूटा तो कांग्रेस लालू के समर्थन में आ गई। लालू यादव के सामने अब अपनी पार्टी को बचाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो पार्टी साल 2000 में नंबर वन हुआ करती थी वो 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2015 विधानसभा चुनाव में लालू यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पार्टी का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव के कमान संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी और संगठन पर मजबूत पकड़ बनाकर रखना, और इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने सबसे विश्वासपात्र नेता जगदानंद सिंह को पार्टी की कमान सौंपा और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जगदानंद सिंह ने ना सिर्फ पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ बनाकर रखी, अनुशासन ठीक किया, बल्कि हर कदम पर तेजस्वी के साथ खड़े रहे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने तेजस्वी यादव को अपना चेहरा बनाया। लालू एंड फैमिली से लेकर पार्टी तक में तेजस्वी यादव के नाम पर बगावत पनप रही थी, लेकिन जेल में सजा काट रहे लालू यादव ने इस बगावत को बखूबी शांत कराया। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के समय चौतरफा मुश्किल पार्टी के सामने खड़ी हो गई थी। एक तरफ जहां लालू को यह अंदेशा हो चुका था कि उन्हें जेल हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से बेदखल होने की भी बात सामने आ गई। तो ये थी किंगमेकर लालू प्रसाद यादव की राइज एंड फॉल की कहानी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।